पॉइंट, वो 12 पॉइंट, 12 डिमांड आप लोगों के लिए पड़ा और हमारी सरकार आते ही वो पूरे 12 पॉइंट हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे और हमारी सरकार आते ही पहले कैबिनेट में ये 12 पॉइंट उन्होंने जो कहा उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। वो 12 पॉइंट के लिए आप लोग तैयार है ना? अरे इतना बड़ा कंसेशन कांग्रेस पार्टी आपको दे रही है, आने वाले चुनाव में अगर हमारी सत्ता आएगी ही, अगर नहीं मगर नहीं जरूर आएगी, आते ही हम लोग आपको जो वायदा हम यहां से कर रहे हैं वो करके दिखाएंगे। इसीलिए भाइयों, हम कर्नाटक में 5 वायदे किए थे, 5 वायदे करके हमने उसको अभी अमल बजाओ नहीं दे रहे हैं, उसको अमल में ला रहे हैं और जो कांग्रेस कहती है वो करके दिखाती है। अब हमारे 5 वहां पर जो प्रॉमिसेस थे वो एक एक करके हम उसको निभा रहे हैं। 30 तारीख को मैसूर में राहुल गांधी जी, मैं जाके वहां पर जो तीसरा हमारे जो गृह लक्ष्मी का है वो हम वहां पर जाकर वो वायदा निभाने के लिए हम वहां जा रहे हैं। तो ये सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी जो कुछ कहते हैं वो करके दिखाते हैं और राहुल गांधी जी जो कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक 4000 किलोमीटर उन्होंने चला, ये कांग्रेस की मजबूती है। आज फिर वो लद्दाख में चाइनीज बॉर्डर पे अपनी जान खतरे में डालकर मोटरसाइकिल पे वहां पर घूम घूम के देख रहे, चाइनीज बॉर्डर में कितना हमारा जमीन उधर चाइना के तरफ गया, कितना बचा, हमारे लोग कहां हैं, कैसे हैं, ये पूरा उन्होंने छानबीन करके अब 8 दिन से उधर फिर रहे। ये कांग्रेस पार्टी मजबूती के साथ आज काम करना चाहते, लेकिन मोदी जी यहां आते हैं, शाह आते हैं, शाह कल्ला रहे, शाह कल्ला रहे, कितने बजे आ रहे तो कल शाह आ रहे और वो शाह आते यही कहते हैं कि कांग्रेस ने 53 साल, पहले तो बोलते थे 70 साल में कांग्रेस क्या किया, अब इधर इधर वो बोल रहे 53 साल में क्या किया, क्योंकि उन्होंने घटा लिया, वाजपेयी के जितने दिन थे, मोरारजी देसाई के जितने दिन थे, विश्वनाथ प्रताप सिंह के कितने दिन थे और दूसरे लोग में देवेगौड़ा का क्या, ये सब घटाकर अब 53 साल बोल रहे हैं। 53 साल में तुमने क्या किया, रिपोर्ट कार्ड दो। ये मध्य प्रदेश में उन्होंने कहा, छत्तीसगढ़ में कहा और कल आकर यहां भी बोलेंगे, उन्होंने यहां बोलते या नहीं मुझे मालूम नहीं, क्योंकि केसीआर पार्टी का उनका दोस्ती हो गया है अंदर से और अंदर से जब दोस्ती होती है जोर से बोल नहीं सकता आदमी, अब देखेंगे, अब इधर इधर तो बोलना भी बंद हुआ ऐसा मैं सुना केसीआर का। तो इसलिए भाइयों, आपको मजबूत डट कर रहना है, डटकर आपको रहना है और हमने क्या किया, हमारा रिपोर्ट कार्ड आप जाके कल अगर शाह आते हैं तो उनको बताइए, क्या बताइए कि कांग्रेस ने क्या किया, कांग्रेस ने
आजादी के बाद इमीडिएटली 562 रियासतों में बटा हुआ देश